आपका 5 मिनट लेना चाहूंगा और ये बताने के लिए कि व्हाट्स हैपनिंग इन यस बैंक। यस बैंक एक बहुत अच्छी कंपनी हुआ करती थी, लेकिन अब उनमें ऐसी कुछ नेगेटिविटी आ गई है कि एक महीने में इसका शेयर प्राइस काफी गिर चुका है और एक महीने में इसका शेयर प्राइस 200 रुपए गिर गया है, 383 to 197। ऐसा क्या हुआ यस बैंक में जिसमें इतनी भारी गिरावट आई? तो देखिए, इसका कारण हमें जानना चाहिए, क्योंकि जहां पे स्टॉक मार्केट आएगा वहां पे हमारे सिलेबस का भी पार्ट बन जाता है ये कैपिटल मार्केट इलेक्टिव पेपर का। यस बैंक के शेयर के भाव में भारी गिरावट, एक दिन में 16,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप स्वाहा हो गया। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, मार्केट कैप क्या होता है आपको पता है? मार्केट वैल्यू इज एमपीएस इंटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। एक दिन में 16,000 करोड़, ऐसा क्या हो गया कि एकदम से स्वाहा हो गया? तो जब हमने रिसर्च किया तो पता चला आरबीआई का कोई फैसला आया है, आरबीआई का फैसला उनके कंपनी के अगेंस्ट गया है। यस बैंक के शेयर 30% गिर गए आरबीआई के फैसले का हुआ असर। यस बैंक क्रैक्स 29%, आरबीआई ने एक्चुअल में जो इनके सीईओ थे, जो इनके प्रमोटर थे राणा कपूर, उनको आरबीआई ने नोटिफिकेशन या उन्हें आरबीआई ने मैसेज दिया कि अब आप कंटिन्यू मत कीजिए, इस कंपनी को आप छोड़ दीजिए। राणा कपूर का बहुत बड़ा हाथ है इस कंपनी को आगे बढ़ाने में, स्टार्टिंग से एंड तक अभी तक राणा कपूर इस कंपनी को आगे बढ़ाया है, संभाला है। अब अचानक से एक मालिक इस कंपनी से चला जाएगा तो कंपनी को आगे कौन बढ़ाएगा? एक बहुत नेगेटिविटी आ गई शेयर होल्डर के नजर में, क्योंकि देखिए शेयर होल्डर कंपनी में भी तो पैसा लगाती है, कंपनी के ऑनरशिप में भी पैसा लगाती है। आज कंपनी के प्रमोटर्स अगर अच्छे होंगे तो शेयर होल्डर पैसा लगाएंगे। आज रिलायंस, अंबानी फैमिली, बिरला फैमिली, ये सब जो फैमिली, बजाज, इन सब में पैसा दिल खोल के लगाती है, क्योंकि उनको पता है कि ये जो बिजनेस है ये बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग साउंड बिजनेस मेंटेन करती है, एक अच्छी फंडामेंटल इनके साथ है। तो यस बैंक का शेयर प्राइस गिरा, आप देखिए लाइन देखिए, जैसे ही आरबीआई का नोटिफिकेशन आया तो वैसे ही देखिए कुछ दिनों तक तो ठीक चल रहा है, कुछ सालों तक ठीक चल रहा है, एक दिन में इतना भारी गिरावट कभी देखने को नहीं आया जो इसमें देखने को आया है। तो ये राणा कपूर जी है कौन? ये एक्चुअल में इन्होंने इस कंपनी को बनाया था और इनका विजन यह है, द सस्टेन्ड सक्सेस ऑफ आवर बैंक इज बेस्ड ऑन द की पिलर्स ऑफ ग्रोथ, ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी, नॉलेज ड्रिवन ह्यूमन कैपिटल, ट्रांसपेरेंसी एंड रेस्पॉन्सिबल बैंकिंग। जब हम इनके बारे में देखते हैं तो ये इन्होंने पहले स्टार्टिंग अपना करियर का इंटर्न से शुरू किया था, सिटी बैंक से। जैसे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करते हैं और वो सिटी बैंक में भी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बारक्लेज हुआ, गोल्डमैन सैक्स हुआ, क्रेडिट स्विस हुआ, उसी तरह से इन्होंने शुरू किया था अपना इंटर्नशिप। आज वो इंडिया के बिलियनर बन गए हैं, इतना बड़ा एम्पायर इन्होंने खड़ा कर दिया यस बैंक। आज मैक्सिमम हर लोगों का अकाउंट यस बैंक में होता है। इन्होंने आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक से टक्कर ली और उन्हें इंटरेस्ट डिपॉजिट में 6% तक ये देते हैं, जहां नॉर्मल बैंक 4% 3% देती है, वहां ये 6 से 6.5% का इंटरेस्ट देते हैं। यस बैंक सीईओ राणा कपूर ने इतने ही अमीर हैं, मतलब जस्ट बिकॉज की इनका जो मैं रुतबा बताना चाह रहा हूं कि अभी अभी इन्होंने 128 करोड़ का बंगला खरीदा है। नेक्स्ट टू मुकेश अंबानी एंटीला, एंटीला के बारे में आपको पता होगा, वो वर्ल्ड का सबसे महंगा घर है और उसी के बगल में उन्होंने 128 करोड़ का बंगला खरीदा है। तो व्हाट हैपेंड, देखिए सब कुछ ठीक चल रहा था, वो जो आपको रेड जो चार्ट नजर आ रहा है वो एकदम से गिरावट नजर आ रही है। तो क्या सर कंपनी बिल्कुल बेकार हो गई? क्या एक आदमी पे कंपनी डिपेंड रहता है? क्या एक आदमी चला जाएगा तो कंपनी बेकार हो जाएगी? ऐसा नहीं है, लेकिन ये एक परसेप्शन की बात है, लोग पैनिक में सेलिंग कर देते हैं। फंडामेंटल्स बुरे नहीं है, फंडामेंटल्स पहले भी वही थे और अभी भी यही है, बस एक न्यूज के कारण कि एक आदमी इसे छोड़ के जा रहा है कंपनी बिल्कुल गिरने लगी है, कंपनी रेड में आ गई है। तो दूसरे दूसरे ब्रोकरेज हाउस, जो ब्रोकरेज हाउस होते हैं, एचएसबीसी ने क्या कहा, यस बैंक को क्या टारगेट दिया है,
378 का ICICI डायरेक्ट टारगेट दे रहा है। टोटल रेवेन्यू नेट इनकम बोथ आर ग्रोइंग, ग्रोथ अच्छी है कंपनी की, कंपनी ने गिरावट नहीं है, कंपनी की ग्रोथ दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। आप चार्ट से देख सकते हैं, आप ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी का 55% ऑपरेटिंग मार्जिन है, इतना ऑपरेटिंग मार्जिन अच्छी अच्छी कंपनी का नहीं होता। ऑपरेटिंग मार्जिन अच्छा है, नेट प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, 37% नेट प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा मार्जिन माना जाता है। तो यस बैंक को अल्टीमेटम दिया गया कि आप ऑफिस को छोड़ दीजिए और इसी कारण ये गिर रहा है। सेबी ने, जो सेबी रेगुलेटर है, उन्होंने रिव्यू करने के लिए मीटिंग बैठाई कि ऐसा हो क्या रहा है यस बैंक में, इतना क्यों गिर रहा है। ऐसा तो कोई ऐसा न्यूज नहीं था जो इतना गिरे, बट सेबी ने भी अब अपनी अथॉरिटी से ये देखना चाहा कि ऐसा क्यों गिर रहा है, कोई मैनिपुलेशन तो नहीं हो रहा है। अलग अलग टारगेट दे रहे हैं। जेएम फाइनेंशियल्स ने 300 रुपए का टारगेट दिया है यस बैंक में, अभी कितना चल रहा है ये 200 रुपए के आसपास। आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने टारगेट दिया 375 का, तो ये लोगों ने भी पूरा रिसर्च करके दिया होगा। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने 503 रुपए का टारगेट दिया है। एडलवाइज ने 450 रुपए का टारगेट दिया है। ठीक है, मूडीज कौन है, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। अगेन ये हमें कैपिटल मार्केट इलेक्टिव पेपर में हम क्रेडिट रेटिंग चैप्टर पढ़ते हैं। मूडीज ने बोला है कि यस बैंक की जो आउटलुक है वो स्टेबल है, डरने की कोई बात नहीं है, मूडीज ने भी बताया। तो यस बैंक ने एक पैनल फॉर्म कर लिया है एक नया सीईओ निकालने के लिए। रातों रात थोड़ा कोई नया सीईओ आ जाएगा, पैनल होगा, इंटरव्यू किया जाएगा, कोई डिजर्विंग कैंडिडेट को ही तो सीईओ बनाया जाएगा। तो पैनल आरबीआई के डायरेक्शन के हिसाब से पैनल बन चुका है, अब ये एक नया सीईओ इस कंपनी को संभालेगा। राणा कपूर को जाना होगा, बिकॉज आरबीआई का गाइडलाइन साफ कहता है कि आप अब और कंटिन्यू नहीं कर सकते। ठीक है, तो 52 वीक रेंज इसका है, मतलब अगर हम 52 वीक रेंज देखें तो 404 रुपए तक ये टच किया है, तो रेंज अभी अपने बॉटम में है। पी रेशियो इसका 11.23 है, जो कि अच्छा माना जाता है। ठीक है, अगर यही पी रेशियो हम इंडसइंड बैंक का देखें तो इंडसइंड बैंक का पी रेशियो है 30 टाइम। तो पी रेशियो ज्यादा होता है तो ओवर वैल्यूड मानते हैं, पी मतलब प्राइस ऊपर है और नीचे अर्निंग है, तो अकॉर्डिंगली इसकी पी रेशियो भी कम है, दैट्स ऑल्सो गुड टाइम टू बाई, अंडर वैल्यूएशन इसका नजर आ रहा है। बुक वैल्यू पर शेयर अगेन अच्छा है, 170 रुपए इसे अच्छा माना जाता है। अर्निंग पर शेयर अगेन बहुत अच्छा है, इस फिगर को भी अच्छा माना जाता है। जब आप कंपैरिजन करोगे तो कोई बहुत अच्छा लगेगा, मैंने कंपैरिजन ऑलरेडी किया हुआ अलग अलग कंपनी से। मार्केट कैप अगेन 50,000 करोड़ का मार्केट कैप है, अगेन इसे अच्छा माना जाता है। और पैट मार्जिन 20% 30% के आसपास है, ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। इंटरेस्ट इसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको बता रहा हूं, मार्च 2017 से मार्च 2018 का प्रॉफिट लॉस अकाउंट देखिए, इंटरेस्ट की कमाई देखिए बढ़ी है कि गिरी है, बढ़ी है। टोटल इनकम बढ़ी है कि गिरी है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी थोड़ी बढ़ी है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ा है। तो ये ग्रोथ कंपनी का इंडिकेटर्स है जो आपकी कमाई बढ़ रही है। तो अगेन कमाई के फ्रंट में ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं, अच्छी कमाई वाली कंपनी है। यस बैंक के शेयर्स को बहुत सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज होल्ड करते हैं, म्यूचुअल फंड चैप्टर हमने पढ़ा है। तो म्यूचुअल फंड में हम पैसा लगाते हैं, म्यूचुअल फंड आगे पैसा कहां लगाते हैं, शेयर्स में लगाते हैं। तो यस बैंक के शेयर्स को किस किस फंड में बाई किया है, जेएम, बड़ौदा पायनियर, आदित्य बिरला, टाटा बैंकिंग, आदित्य बिरला अगेन, टाटा इक्विटी, ये सारे फंड ने आगे पैसा लगाया। सिर्फ इन्होंने नहीं, और बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने यस बैंक में पैसा लगाया है। मैसेज फॉर यस बैंक होल्डर, होल्ड स्ट्रेटेजी, सीईओ में कम सीईओ में गो, बट द कंपनीज वर्क फॉर एवर। सीईओ आएगा सीईओ जाएगा, लेकिन कंपनी निरंतर चलती रहेगी। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आप को घबराने की जरूरत नहीं, अगर आपके पास यस बैंक है और अगर आप यस बैंक खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं। विद स्टॉप लॉस, एक स्टॉप लॉस हमेशा लगाना चाहिए। तो सर अभी अभी मार्केट में क्या चल रहा है, आज का मार्केट रेट क्या चल रहा है यस बैंक का, जरा हम देखते हैं। आज यस बैंक देखिए 4% ऑलरेडी बढ़ चुका है आज, मतलब हमारे न्यूज का इंपैक्ट आ रहा है मार्केट में। ठीक है, अब थोड़ा सा बॉटम होने के बाद अब 4% आज बढ़ा है। किसने बाई किया था यस बैंक, आज किया, आज किसने किया, आपने किया है, तो आज आपको प्रॉफिट हो रहा होगा। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि अब आपको एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अगर आप बाई करना चाहते तो स्टॉप लॉस होना चाहिए 200 रुपए का। कितने रुपए का, 200 रुपए का। 200 रुपए का टच करता है तो आपको बेच देना चाहिए और होल्ड करना चाहिए विद द टारगेट फॉर 400 रुपीज। 400 रुपए का टारगेट के लिए आप इसे होल्ड कर सकते हैं। ये मेरा अपना रिकमेंडेशन है, आप प्लीज अपनी रिसर्च को देखें और अपनी रिसर्च के हिसाब से काम करें।
तो इसी ब्यूटीफुल डॉट के साथ ही हम अच्छे से लर्निंग भी करेंगे और अर्निंग भी हमें अच्छी होगी। मैं आज की क्लास यहीं ऑफ करता हूं। थैंक यू सो मच।